हाय गाइस, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे वेलकम थ्री मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मजनू भाई से लेकर RDX तक का नाम सुनते ही सबके दिमाग में एक ही मूवी का नाम आता है और वह है वेलकम। बॉलीवुड की बेहतरीन कॉमेडी मूवियों में से एक अक्षय कुमार कैटरीना कैफ स्टार इस मूवी की दीवानगी लोगों के बीच आज भी है। अक्षय कैटरीना के साथ साथ नाना पाटेकर, अनिल कपूर, परेश रावत सहित अन्य कलाकारों की अदाकारी के सजी इस मूवी के हर सीन ने लोगों को पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया था। 2007 में इनका फर्स्ट सीक्वल आया था। इसके बाद साल 2015 में इस मूवी का दूसरा सीक्वल आया और अब जाकर इनके तीसरे सीक्वल की चर्चाएं होने लगी है। हाल में वेलकम थ्री के लेकर बहुत ही बस बना हुआ है। बॉलीवुड में इनके तीसरे पार्ट यानी वेलकम थ्री को लेकर गपशप चल रही है। ऐसे में मूवी की कास्ट को लेकर भी अपडेट सामने आ चुका है, जिसमें एक मल्टी स्टार रहने वाली है। इसमें एक स्टारकास्ट का मेला नहीं पर पूरा गांव लग रहा है। बहुत सारी स्टारकास्ट इस वेलकम थ्री में काम करने वाली है। साल 2007 में कॉमेडी का डोज देने वाली वेलकम के तीसरे पार्ट की स्टारकास्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, जिसे सुनकर अभी का चौंकना बनता है। ये मूवी के लिए कलाकारों की एक टोली बनाई गई है जो कॉमेडी का तड़का लगाती हुई बड़ी स्क्रीन पर देखने को मिलेगी और सबको हंसाती हुई देखने को मिलेगी। वेलकम थ्री मूवी में अक्षय कुमार, अरशद वारसी और संजय दत्त एक साथ तो नजर आ ही रहे। वेलकम थ्री को पूरा टाइटल वेलकम टू द जंगल दिया गया है और ये मूवी जल्द ही बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है। मूवी फिरोज नाडियाडवाला की होगी और इस मूवी में मुन्ना भाई यानी संजय दत्त, सर्किट यानी अरशद वारसी और अक्षय कुमार मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इस मूवी के स्टार कास्ट में रवीना टंडन, जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी, सुनील शेट्टी, परेश रावल, लारा दत्ता, अरशद वारसी भी शामिल है। इसी के साथ तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़ी को भी शामिल कर दिया। अक्षय कुमार की वेलकम थ्री मूवी से पहले भूत बंगला मूवी आएगी जो उनके बर्थडे के अवसर पर अनाउंसमेंट की गई है और ये भूत बंगला मूवी एक हॉरर कॉमेडी जॉनर की मूवी रहेगी जिसको डायरेक्शन प्रियदर्शन दे रहे हैं और इसमें करीना कपूर साथ देखने को मिलेगी। इनकी शूटिंग भी फिलहाल चल रही है। तो दोस्तों, आप भी अक्षय कुमार की वेलकम थ्री और भूत बंगला ये दोनों मूवी में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आगे दोनों मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब